न्यू सीरीज। हर पेंटन फैन के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पेंटन की न्यू सीरीज कब आएगी। और काफी सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेंटन की न्यू सीरीज आ जाए, और इसकी कंफर्मेशन पेंटन के क्रिएटर्स ने खुद की है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर कभी पेंटन की न्यू सीरीज नहीं आती तो क्या होगा। वैसे तो आने वाली है, लेकिन अगर नहीं आती तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करूंगा। पहली वो जिसमें पेंटन के क्रिएटर्स हमें खुद ही बता दें कि अब पेंटन की कोई भी न्यू सीरीज नहीं आने वाली, यानी कि रीबूट लास्ट जो कि अब खत्म हो चुकी है। और दूसरी वो वाले जिसमें बेंटन के क्रिएटर्स हमें नहीं बताते और कही जाते हैं कि अब आएगी, लेकिन बेंटन की न्यू सीरीज कभी नहीं आती। तो पहले बात करते हैं कि बेंटन के क्रिएटर्स हमें खुद ही बता देते हैं कि बेंटन की न्यू सीरीज कभी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो ये होगा कि सभी फैंस के बीच में खलबली मच जाएगी, सभी फैंस बहुत ज्यादा दुखी होंगे कि बेंटन की न्यू सीरीज अब नहीं आने वाली, और उनको इस बात का बहुत ज्यादा दुख होगा क्योंकि बेंटन के क्रिएटर्स ने हमें पहले भी काफी ज्यादा टाइम देकर रखा था कि न्यू ईयर में आएगी, पिछले ईयर के लास्ट में आएगी, कोई अपडेट आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिस बात पर फैंस को और भी ज्यादा दुख होगा। अब इसके बाद जब उनको पता चलेगा कि बेंटन की न्यू सीरीज नहीं आने वाली, तो सबसे पहले वो जाकर क्रिएटर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हैंडल्स पर जाएंगे और उनसे डिमांड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप बेंटन की न्यू सीरीज नहीं ला रहे। इसके बाद जब क्रिएटर्स उनको रिप्लाई नहीं देते या फिर कोई सही वजह नहीं बताते जिसकी वजह से वो बेंटन की न्यू सीरीज नहीं ला रहे, तो जिन लोगों ने मैसेज किया अगर तो वो बेंटन के डाई हार्ट फैंस होंगे, तो वो वहां पर बैड वर्ड्स का यूज करेंगे और क्रिएटर्स को हेट पहुंचाना शुरू कर देंगे, जो कि क्रिएटर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है कि वो उन फैंस को ब्लॉक भी कर दें। तो अब अगर यहाँ पर बात कीजिए बेंट ट्यूबर्स या ओमनी ट्यूबर्स की कि वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि बेंटन की न्यू सीरीज ना आने से सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को ही होगा, क्योंकि हम बेंटन पर वीडियोस बनाते हैं और जब बेंटन की न्यू सीरीज ही नहीं आएगी तो हम किस पर वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम सच में चाहते हैं, वैसे तो हम सच में ही चाहते हैं कि बेंटन की न्यू सीरीज आए, लेकिन अगर क्रिएटर्स कह देते कि बेंटन की न्यू सीरीज अब नहीं आने वाली, वैसे तो क्रिएटर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम सभी को पता है कि बेंटन की न्यू सीरीज आएगी, लेकिन अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें बेंटन की न्यू सीरीज नहीं आती, तो ऑब्वियसली हम सारे बेंट ट्यूबर्स ट्यूबर्स मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम अब भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेंटन की न्यू सीरीज आ जाए, लेकिन अगर नहीं आती तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि बेंटन की न्यू सीरीज को वापस लाएं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब अगर हम इकट्ठे होकर भी बात करते हैं तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटर्स ने ऑफिशियली कह दिया कि अब बेंटन की न्यू सीरीज नहीं आने वाली। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्रिएटर्स अब कह देते हैं कि बेंटन की न्यू सीरीज नहीं आती, तो इससे उनको भी काफी ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि बेंटन एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल शो रहा है और इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के एक अच्छे शो को बंद करना कोई समझदारी का काम नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रिएटर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि क्रिएटर्स हमें बताए बगैर बेंटन की न्यू सीरीज को डिले पे डिले करे जाते हैं, यानी कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं देते कि इस एग्जैक्ट डेट को बेंटन का पहला एपिसोड आ जाएगा, तो क्या होगा। तो अब अगर किसी पॉसिबिलिटी में बेंटन के क्रिएटर्स हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसे तो सभी को पता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस ईयर के लास्ट में हमें बेंटन की न्यू सीरीज का कोई ना कोई टीजर ट्रेलर या एपिसोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है तो फिर फैंस की हाइप कम होती जाएगी। मान के चलो कि अगर बेंटन के क्रिएटर्स हमें कहते हैं कि अगले महीने की पहली तारीख को हमें बेंटन की न्यू सीरीज का पहला एपिसोड देखने को मिल जाएगा, तो हम सभी बहुत ज्यादा खुश होंगे और बेंटन की न्यू सीरीज की काफी ज्यादा हाइप भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब अगले महीने की पहली तारीख आएगी तो बेंटन की न्यू सीरीज का पहला एपिसोड ना आए या कोई अपडेट भी ना दिया जाए हमें उससे पहले कि इस वजह से एपिसोड डिले हो गया, तो फिर तो सभी फैंस बहुत ज्यादा दुखी होंगे, साथ ही साथ उनको क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि क्रिएटर्स ने कहा था कि इस डेट को एपिसोड हमें देखने को मिलेगा लेकिन हमें देखने को नहीं मिला। अब अगर क्रिएटर्स ऐसा ही दो तीन दफा और करते हैं तो फिर फैंस की हाइप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो समझेगा कि इन्होंने तो बेंटन की न्यू सीरीज नहीं लानी, तो हम वैसे ही टाइम वेस्ट कर ही जा रहे हैं, और अगर उसके बाद बेंटन की न्यू सीरीज आ भी जाती है किसी वजह से, तब भी इतने ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पहले ही बहुत ज्यादा इंतजार करवाया गया और वो इंतजार कर करके थक गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को मार्वल की ही मूवीज का एग्जांपल दूं, तो मार्वल जो भी अपने मूवीज की रिलीज डेट बताता है वो उस डेट को रिलीज कर देता है, लेकिन अगर किसी वजह से मूवीज डिले होनी होती है तो हमें वो काफी ज्यादा देर पहले बता देता है, जिससे कि हमें समझ आ जाता है कि किसी वजह से डिले हुई है, ना कि जान के डिले की गई है। और फिर अगर बेंटन के क्रिएटर्स ऐसा करते जाएंगे तो फिर एक टाइम आएगा जब बेंटन की न्यू सीरीज का पहला एपिसोड आ जाता है, तो तब भी लोग देखेंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं देखेंगे जितने 7-8 महीने पहले ये एपिसोड लाने से देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हाइप खत्म हो चुकी है और लोगों का बेंटन में इंटरेस्ट नहीं रहा और बेंटन के क्रिएटर्स को उतना प्रॉफिट, उतनी टीआरपी नहीं मिलेगी जितना कि ये एपिसोड 5-6 महीने पहले लाने से मिलेगी। तो बस यार, यही थे मेरे कुछ थॉट्स और कुछ पॉसिबिलिटीज जो कि बेंटन की न्यू सीरीज के ना आने पर हो सकती थी। और यार, इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर किसी पॉसिबिलिटी में बेंटन की न्यू सीरीज का टीजर या ट्रेलर या पहला एपिसोड कल ही आ जाते तो क्या होगा, उस वीडियो का लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। और यार, अगर तो ये वीडियो पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।